हाँ देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 7, और इसमें कहा गया था प्रोजेक्टेड प्रॉफिट स्टेटमेंट बना दो। तो हम लोग बना रहे थे प्रोजेक्टेड प्रॉफिट स्टेटमेंट, जरा देखिए कैसे बनेगा। हाँ देखिए स्क्रीन पे कैसे हम इसको बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन में एक दो नई चीज़ें थी जो हम लोगों ने किसी क्वेश्चन में नहीं किया था, तो पहले तो हम लोगों ने उसको डील किया था। क्या क्या जरा देखो। हाँ हाँ देखो जरा बेटा क्या क्या इसमें खास बात थी। पहली, इस क्वेश्चन में कहा गया था एम ए लिमिटेड, फटाफट क्वेश्चन देखिए, एम ए लिमिटेड इज कमेंसिंग अ न्यू प्रोजेक्ट टू मैन्युफैक्चर प्लास्टिक कंपोनेंट। द फॉलोइंग कॉस्ट इन्फॉर्मेशन हैज बीन असर्टेन फॉर द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 12,000 यूनिट विच इज द फुल कैपेसिटी। अब ये कहा था कोई एक कंपनी है, 12,000 यूनिट बनाना इनकी फुल कैपेसिटी है, और हमारे इस क्वेश्चन में बेटा 12,000 यूनिट बनाना ये इनकी फुल कैपेसिटी है, और हमारे इस क्वेश्चन में ये शायद पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट आना शुरू हो गई। तो मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था, जब भी हम कोई फिक्स्ड कॉस्ट पे करते हैं तो वो किस पे करी जाती है, फुल कैपेसिटी पे ना। तो अब देखो, तो हम लोगों ने ये काम किया था, एक जितना पिछली क्लास में किया था एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। नंबर एक, यहां से देखो, नंबर एक देखिए 12,000 फुल कैपेसिटी है, और ये कह रहे हैं फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग खर्चे 6 रुपए के हैं, तो 6 × 12 इसका मतलब ये हुआ कि 72,000 का हम लोग के पास फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होगा। उसके बाद बेटा आगे देखो, नेक्स्ट लिखा था एडमिनिस्ट्रेशन का फिक्स खर्चा है 4 रुपए का, तो 12,000 × 4 48,000 का हमारे पास क्या होगा, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस। ये दो निकल गए। अब इसमें एक और नई बात दी थी, क्या कहता है जो सेलिंग प्राइस पर यूनिट है वो 96 है, और जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो 5 रुपीज पर यूनिट हैं, जिसमें 80% वेरिएबल है। अब मुझे एक बात बताओ, सेलिंग एक्सपेंस किस पे लगता है, जो यूनिट बेचते हैं उस पे सेलिंग एक्सपेंस उस पे लगता है ना। अच्छा लेकिन बेटा, लेकिन सेलिंग एक्सपेंस तो 5 रुपए का है, 80% फिक्स्ड है, तो इसका मतलब 20% वेरिएबल है, सॉरी 80% वेरिएबल है तो 20% फिक्स्ड है, तो 5 रुपए का 20% 1 रुपया हुआ, तो वो 1 रुपए तो फुल कैपेसिटी पे लगेगा ना। फिक्स खर्चों का तो नियम है कि वो किस पे लगता है, फुल कैपेसिटी पे। तो 12,000 × 1 जो हमारे पास सेलिंग एक्सपेंस है, ये देखो ये हमने यहां निकाल लिया कि फिक्स सेलिंग एक्सपेंस हो गया 12,000 × 1 12,000, तो वेरिएबल कितना हो जाएगा, वेरिएबल 4 रुपए का हो जाएगा पर यूनिट, तो 4 × 12,000 मतलब जो वेरिएबल है वो तो पर यूनिट वेरी करेगा ना, तो ये ऐसे हो गए हम लोग के पास। तो दो देखो, एक मैंने ये समझाया, एक ये नई बात थी, और एक ये नई बात है। जरा अब ये देखो ये क्या है, नई बात ये क्या है, देखिए स्क्रीन पे, तुम्हारी क्लासरूम 2 में क्लास हो रही है बेटा, क्लासरूम 2 में देखो इधर। अब ये देखो, हमारे इस क्वेश्चन में 2 साल का रिकॉर्ड दिया है, एक ईयर 1 और एक ईयर 2, 2 साल का रिकॉर्ड दिया है। देखिए अब इसमें लिखा है 6,000 यूनिट बनाया, 5,000 बेचा, तो इसका मतलब 1,000 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक बच गया, बोलो बेटा। और यहां का क्लोजिंग अगले साल का ओपनिंग, ठीक है, तो ओपनिंग, तो ये हमने ऐसे किया, ये देखो यहां लिखा है पहले साल, देखिएगा बेटा फर्स्ट ईयर में वी डोंट हैव एनी ओपनिंग स्टॉक, 6,000 बनाया 5,000 बेचा तो 1,000 बच गई,
जो 1000 अपने पास बच गई बेचा, ये अगले साल का ओपनिंग हो जाएगा, फिर इतना बना के इतना बेचा तो इतना बच गया, ये यहाँ का क्लोजिंग हो जाएगा। तो पिछली क्लास में तीन बातें तो हमने ये करी थी। अब उसके बाद यहाँ आ जाओ। अब क्वेश्चन ने हमसे दो डिमांड करी थी। पहला क्वेश्चन कहता है एक प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट बना दो प्रॉफिट और लॉस का, और एक वर्किंग कैपिटल बता दो। सभी बच्चों को वर्किंग कैपिटल निकालना आता है, लेकिन आज तक किसी क्वेश्चन में ये नहीं किया कि प्रोजेक्टेड प्रॉफिट लॉस बताना हो। तो प्रोजेक्टेड प्रॉफिट लॉस ऐसे बनेगा ये, ऐसे हमने कहा देखो यूनिट बनाई इतनी है और बेचा इतना है, इतना बेचा है, तो ये तो जो सेल है बेटा ये यूनिट में है ना, यूनिट में है। अभी इसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें तो सेल निकल के आ जाएगी टोटल। फिर मैंने दो लाइन खींच के सेल अलग कर दी। अब नीचे कॉस्ट शीट बना देंगे तो इसका जो टोटल आएगा वो सारे खर्चे हो जाएंगे, सेल हो जाएगी ए, कॉस्ट हो जाएगी बी, ए माइनस बी क्या निकल के आ जाएगा, प्रॉफिट। ठीक है, एक आखिरी बात, जब वर्किंग कैपिटल निकालते हो तो कैश बेसिस पे निकालते हो और ग्रॉस बेसिस पे निकालते हो। जब कैश पे निकालते हो तो डेप्रिसिएशन को कॉस्ट का पार्ट नहीं लेते हो, बोलो। लेकिन अब इसमें सवाल तो यही है, कहता है वर्किंग कैपिटल बता दो, ये नहीं लिखा कैश बेसिस पे ग्रॉस बेसिस पे, तो किस पे निकालेंगे, कैश पे। लेकिन इसमें कैश पे नहीं निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे, लॉजिक सुनो। देखो इधर, ये डेप्रिसिएशन को अपनी कॉस्ट का पार्ट मानते हैं। अब एक बात बताओ, आप क्लाइंट हो, आप मेरे पास आए, आप कहते हो हमारा प्रॉफिट निकाल दो, ठीक है। अब यही तो यहां भी है ना, जरा ये वाली लाइन पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, देखना कंफ्यूजन आता है इसमें। कह रहे हैं एमए लिमिटेड ने एक नया व्यापार शुरू किया, उन्होंने कहा हम 12,000 यूनिट बनाएंगे, लागत की जानकारी ये है। जैसे आप मेरे पास आए बीइंग अ क्लाइंट, आपने कहा हम 12,000 यूनिट्स बना रहे हैं, ये हमारी कॉस्ट का रिकॉर्ड है और बताइए हमारा प्रॉफिट निकाल दीजिए। जब आप खुद मुझसे कह रहे हो कि डेप्रिसिएशन मेरी कॉस्ट का पार्ट है तो मैं कैसे काट दूं, मुझे तो प्रॉफिट बताना है, बताओ बेटा। तो यहां डेप्रिसिएशन को हम लोग कॉस्ट का पार्ट लेंगे। अच्छा, अब अगली बात देखो बेटा, तो इसका मतलब जब ये बनाएंगे प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट तो इसमें डेप्रिसिएशन रहेगा। अब मान लो इसमें डेप्रिसिएशन लें इसमें ना लें, तो फिर दोबारा कॉस्ट शीट बनानी पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि डेटर किस पे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल पे। अरे डेटर की वैल्यूएशन किस पे होगी, जब कैश कॉस्ट बेसिस पे करोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल पे। फिनिश गुड्स किस पे निकालोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे, जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं होगा। तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम ऐसे करेंगे, जब ये डेप्रिसिएशन इसमें ले लिया तो इसमें भी डेप्रिसिएशन लेके अपना काम कर देंगे। अदरवाइज किया ऐसे ही जाता है कि बेस्ट ये होता है कि हम डेप्रिसिएशन को कॉस्ट का पार्ट न लें। ठीक है बेटा, चलो अब आ जाओ। तो अब देखो मैंने अभी तक क्या क्या काम किया था जो पिछली क्लास में हम कर चुके हैं। सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल लिखा था। अब इधर देखिए सब बच्चे, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। 40 रुपए का बेटा लगता है रॉ मटेरियल, 40 रुपए का, और 40 रुपए का। तो ये देखो, जब हमने यहां पे बनाया 6000 यूनिट तो 6000 इंटू 40 240 का पड़ेगा, और जब यहां बनाया 9000 इंटू 40 तो मटेरियल इतने का पड़ेगा। तो एक तो मटेरियल लिखा था, दूसरा लेबर, लेबर 20 रुपए के लग जाती है। तो जितने यूनिट बनाया 6000 इंटू 20 ये हो गया, 9000 इंटू 20 ये हो गया, दोनों का समीशन क्या हो गया, प्राइम कॉस्ट। हालांकि प्राइम कॉस्ट लिखने का कोई मतलब नहीं है, मैं हर बार बोलता हूं, कोई कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग नहीं कर रहे हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की बारी आई, तो ये देखो बेटा क्या लिखा है, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 6 रुपए के हैं। तो मुझे इससे मतलब ही क्या है, मैंने तो निकाल लिया है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कितने हैं, 72, क्योंकि ये फिक्स्ड है तो चाहे जितनी यूनिट बनाओ ये तो उतना ही रहेगा, बोलो बेटा। तो ये देखो, इसको हमने वही 72 दोनों में लिख दिया। आगे पढ़िए, डेप्रिसिएशन ध्यान दीजिएगा, डेप्रिसिएशन बेटा 10 रुपए का है एक यूनिट पे, 10 into this 1,20,000 का डेप्रिसिएशन हमने लिख दिया। अब इसका जो सम होगा दैट इज माई फैक्ट्री कॉस्ट, ये मेरे पास आ गई फैक्ट्री कॉस्ट। इतना काम हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया हुआ था, अब यहां से काम आगे बढ़ाएंगे। शुरू करें, चलो लिखना शुरू करिए। एक तो पहले इसका सम कर देते हैं, सम कर देते हैं, 360,000 प्लस 1,20,000 प्लस 72 double 5 2 triple 0
5,40,000 प्लस 72,000 प्लस 120 732, ये आ गई फैक्ट्री कॉस्ट। अब आगे बेटा, अब ट्रीटमेंट होगा फिनिश्ड गुड्स का, तो यहां पे हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, थोड़ा सा ये अब जरा एक एक करके समझाते हैं। जरा देखो बेटा, ओपनिंग स्टॉक, सब बच्चे देखना, ओपनिंग स्टॉक फर्स्ट ईयर में था ही नहीं, ये देखो इधर फर्स्ट में था ही नहीं, लेकिन क्लोजिंग था 1000 यूनिट का। ये क्लोजिंग ही तो निकाला ना हम लोगों ने, क्लोजिंग, ये जो ऐसे मैंने उल्टा लिखा है, ऐसे करते हैं बराबर क्लोजिंग स्टॉक, तो ये क्लोजिंग है। अब देखो इधर, तो जब 1000 यूनिट का हमारे पास क्लोजिंग है, तो मैं यहां क्लोजिंग की वैल्यू निकालने जा रहा हूं। कैसे, इधर देखो, मैं कहूंगा 55, इधर लिख रहा हूं 552000, यहां से कर रहा हूं। अगर इतने पैसे खर्च करके 6000 यूनिट बनाया, तो 1000 यूनिट कितने की, डिवाइडेड बाय 6000, अगर 6000 बनाया तो 1000 यूनिट हमारे पास कितने की, 552000 डिवाइडेड बाई 6000 × 1000, 92000। तो इसका मतलब 92000 का आ गया हम लोगों का क्लोजिंग स्टॉक, और ये हो जाएगा यहां से लेस। पहले बताओ, इतनी बात समझ में आई? हाँ, क्लोजिंग वाला। अच्छा ये बताओ, ये 40 को किससे मल्टीप्लाई किया था, 5000 से या 6000 से? 6 से ना। 20 को किससे मल्टीप्लाई किया था, 6 से। तो इसका मतलब क्या है, ये जो लागत है ये 6000 यूनिट की है ना, तो वही तो कहा मैंने, 6000 की इतनी, तो 1 की इतनी, तो 1000 की कितनी। अच्छा अब रुक जाओ, एक ये बात देखना जरा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बताओ, ये 92000 क्या है, 92000 क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ईयर वन। तो ये बेटा यही तो होगा अगले साल का ओपनिंग, समझ आए, यही अगले साल का ओपनिंग होगा। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। 55200 में से माइनस कर दिया 92000, 46000, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें हम ऐड कर देंगे, देखो बचा क्या है, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन रह गया। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग ऐड कर देंगे, नहीं बेटा एक चीज गड़बड़ हो गई, इधर देखो तुम लोगों को पढ़ाया भी था, यहां देखो सामने, यहां हम लोगों ने लिखा था ना, कुछ ना लिखा हो तो जब फिनिश गुड्स को वैल्यू करते हैं तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी लेके चलते हैं। ये मैंने एक हम लोगों ने लिखा था कॉन्सेप्ट नंबर 8 में, जब क्वेश्चन में कुछ ना कहा हो तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी ऐड करके चलते हैं। गलती हम लोगों ने ये कर दी कि एडमिनिस्ट्रेशन को ऐड नहीं किया, तो ऐड कर लो, तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि इसको हटाना पड़ेगा। चलो इसमें ऐड कर लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ये हम लोगों ने ऊपर निकाला हुआ है बेटा, ये है 48000 रुपीस का, और ये दोनों में सेम रहेगा। अभी आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
55200 प्लस 48,000 ये आ गया 6,00,000। 73200 प्लस 48,000 7,80,000। इसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फर्स्ट ईयर में है ही नहीं, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यहां निकाल लेते हैं। अगर 6,00,000 रुपए खर्च करके बनाई 6,000 यूनिट, तो एक यूनिट पे 100 रुपए, तो 1,000 यूनिट हो जाएगी 1,00,000 की। 1,00,000 यहां का क्लोजिंग, अगले साल का यही बन जाएगा ओपनिंग। तो ये आ गया 5,00,000, 5,00,000। इसको बेटा इधर लिखते हैं, ईयर वन में हमने ऐसे किया, 6,00,000 में अगर बनाई 6,000 यूनिट, तो 1,000 यूनिट कितने की, 1,000 यूनिट कितने की, 1,000 यूनिट कितने की? अब यहां देखिए बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा देखना ईयर टू का क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकल रहा है। देखो जरा ईयर टू का मैं ऐसे निकाल रहा हूं, देखो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, देखो ईयर टू का क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा। ये ऐसे निकलेगा, यहां तो ऐसे किया कि 6,00,000 में इतना, तो उसमें कितना, अब यहां ऐसे होगा, ओपनिंग भी एडजस्ट होगा, हम कहेंगे 7,80,000 ये और 1,00,000 ये, हम कहेंगे 8,80,000 रुपए खर्च करके अगर हमने बनाया, ऊपर देखो कितने यूनिट, 9,000 हमने बनाया, 9,000 तो फाइव हंड्रेड का कितना, अब ये हमारे पास आ गया 8,80,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 500, 44,000, 7,80,000 प्लस 1,00,000 माइनस 44,000, 836,000। ये समझ में आया क्लोजिंग स्टॉक, आगे बढ़ो। अब इसके बाद अगली जो ट्रीटमेंट आएगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन हो ही चुका है, तो अब आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऐड कर दो। सेलिंग एक्सपेंसेस क्लोजिंग स्टॉक 1,500 है, अच्छा 1,500 है, अच्छा 1,500 है, तब तो फिर चेंज हो जाएगा बेटा, 1,132,000। अब फाइनली कितना आएगा, 7,80,000 प्लस 1,00,000 माइनस 1,32,000, 7,48,000। फिर से बताएं बेटा, देखो इधर क्लोजिंग स्टॉक ना, इधर देखो, ये बताओ आप, चलो मैं ऐसे लिख रहा हूँ जिससे खाली आपको समझ में आ जाए इजिली, बस और कोई बात नहीं। ये बताओ, हमने 7,80,000 रुपए करंट ईयर में खर्च किया, मानते हो ये बात, और कितनी यूनिट अपने बनाई है, 9,000 प्लस, बेटा
प्लस 1 लाख रुपए का पिछले साल का भी तो 1000 यूनिट का ओपनिंग है, समझ में? तो जब ये 10,000 इतने का, तो उसी में से 1500 कितने का बचेगा वो निकाल लिया। अब ठीक है, अब सेलिंग एक्सपेंस पे आ जाओ जरा। सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस 12,000। सेलिंग एक्सपेंस के दो पार्ट हैं, एक फिक्स्ड एक वेरिएबल। तो यहां लिखते हैं फिक्स्ड पार्ट, वेरिएबल पार्ट। देखिए बेटा, सब कुछ हम लोगों ने ऊपर यहां कैलकुलेट किया है। वेरिएबल 4 रुपीज पर यूनिट है, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, जितने यूनिट हमने बनाया 6,000 × 4, ये आ गया 24,000। एक मिनट और, अब इधर देखिए, एक मिनट स्क्रीन पे, चलो ध्यान से देखो बेटा। देखो जो हमारा सेलिंग एक्सपेंस है, सब बच्चे देखो, इसके दो पार्ट हैं, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल। अब जरा हम दोनों का मतलब समझा दें। देखो इधर, जैसे मान लो किसी भी शोरूम पे जाते हो तो सेल्समैन नहीं होते, उनकी सबकी फिक्स सैलरी होती है कि चलो तुमको 6-7-8 हज़ार रुपये, कुछ 10,000 महीने का मिलेगा, तो वो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे सेल हो चाहे ना हो। अच्छा, एक टारगेट देते हैं, उसको पूरा करोगे तो इतना एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो जो वेरिएबल पार्ट है वो उस पर लगेगा जितने यूनिट बेचा, समझे? जैसे 4 रुपए का वेरिएबल है तो इस पे नहीं, बिकी तो 5,000 ना, तो 5,000 × 4, 8,500 × 4। और जो फिक्स्ड वाला है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे बिके चाहे मत बिके। तो अब यहां हम लोगों ने कैलकुलेट किया, देखो फिक्स्ड की जगह लिख दो 12,000, और वेरिएबल पार्ट की जगह 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4×5=20,000, और ये हो गया 84 से मल्टीप्लाई किया ना, ऐड कर देते हैं इसको, 532। ये आ गई हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ सेल। और हमने यहां लिखा सेल, सेल प्राइस क्वेश्चन में दे रखा है, सेल प्राइस है 96। तो अगर 96 को 5,000 से मल्टीप्लाई कर दें, 480, को 8,500 से मल्टीप्लाई कर दें, 816। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, प्रॉफिट लॉस। ये बन गया इनका प्रोजेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ठीक है, लिख लिया। अब आगे बढ़ो, सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, वर्किंग कैपिटल निकालनी है, आइए वो भी फटाफट निकाल देते हैं। सेकंड पॉइंट, स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल।
स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल, सबसे पहले लिखेंगे करंट एसेट्स और फिर करंट लायबिलिटी, ईयर वन, ईयर टू, करंट एसेट्स, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, फिर करंट लायबिलिटीज, टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आ जाएगा वर्किंग कैपिटल। ए माइनस बी। चलो अब एक एक चीज पढ़ते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आइए देखिए, यहां से टू असेस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। नंबर एक कहते हैं रॉ मटेरियल हम लोग रखते हैं 2.25 मंथ ऑफ एवरेज कंजम्पशन। तो आइए निकालते हैं वर्किंग नोट्स। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ईयर वन, ईयर टू, तो हमने 240,000 का रॉ मटेरियल कंज्यूम किया 12 महीने में, 360,000 का रॉ मटेरियल कंज्यूम किया 12 महीने में, तो 2.25 में कितना, 240,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2.25, 45,000। 360,000 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 2.25, 67,500। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसको ले चल के लिखते हैं स्टेटमेंट में, नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर टू लिखिए। WIP है नहीं इनके पास, अच्छी बात है। डेटर वन मंथ ऑफ एवरेज सेल,
तो यहां करेंगे कैलकुलेशन ऑफ डेटर, ईयर वन ईयर टू तो डेटर हो जाएगा 48816। अगर इतने की सेल 12 महीने में तो एक महीने में कितनी, फोर्टी थाउजेंड का ईयर वन, सिक्सटी एट थाउजेंड का ईयर टू में, लिख दीजिए ऊपर ले चल के डेटर। फोर्टी और सिक्सटी एट, हाँ क्या कह रहे हो बेटा? तुम लेट से आओ, मैं पहले बता चुका हूँ बेटा उसको, सिक्सटी एट। अब दोबारा से करेंगे तो पूरे तीन घंटे में यही क्वेश्चन होगा, फिर से चलें कॉस्ट शीट बनाएं, फिर कैश बेसिस पे करें, इसलिए जब ऊपर किया है डेप्रिसिएशन में तो नीचे भी वैसे काम होगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। कैश रखना है 10,000 का, लिख दो कैश। आगे पढ़िए, कैश हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट, अब एक चीज यहां दी नहीं है लेकिन वो इंप्लाइड है, इधर देखो, इसमें कुछ नहीं लिखा है लेकिन जब यही बता दिया इतना बना के इतना बेच रहे हैं तो क्लोजिंग तो है ही ना, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऊपर निकाला है, यहां लाके लिखना होगा। एक लाख निकाला था हम लोगों ने फर्स्ट ईयर वाला, सेकेंड ईयर का आया था 1,32। फोर्टी फाइव थाउजेंड प्लस फोर्टी थाउजेंड प्लस 1,00,000 प्लस 10,000, 195, 67,500 प्लस 68,000 प्लस 10,000 प्लस 132, 277,500। इसमें से माइनस कर देते हैं करेंट लायबिलिटी, और उस पर दो ही चीज दी है, पहली क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल 1 मंथ, वर्किंग नोट नंबर 3, ईयर वन ईयर टू मटेरियल लगा था 240 और 360, क्रेडिटर्स फॉर मटेरियल, कौन सा, अच्छा लिखिए ऊपर,
क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस वन मंथ, चलो अब इधर देखो बेटा स्क्रीन पे कितनी चालाकी से उसने लिख दिया, सामने देखो क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, तो भैया एक्सपेंसेस तो लेबर भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, सब लेना पड़ेगा, सबका टोटल करेंगे इतना 12 महीने का, तो एक महीने का कितना, किसी एक खर्चे का नाम तो लिया नहीं, तो सब बकाया रहता है, तो उसके लिए वर्किंग नोट बनेगा। आ जाइए जरा वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ एक्स क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस। ईयर 1, ईयर 2, अब एक एक ऐड करते हैं, पहले वेजेस एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस, क्या लिखा था उसने, हाँ वेजेस एंड वेरिएबल एक्सपेंसेस 120, 180, इसके बाद ये हो गया मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड का फिक्स्ड पार्ट, ये है हमारे पास 72, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है 48, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 12,000 का सेलिंग है फिक्स्ड,
क्या चीज है टोटल? टू एट सिक्स, अब कितना आएगा साल भर का? सही बेटा, ये 72 है, 346। तो ये निकल के आ गई वर्किंग कैपिटल। कौन सा क्वेश्चन था वो? क्रेडिटर ये वाला? ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। फाइव लैख 81,400 ये आंसर है वर्किंग कैपिटल का। 581,400।
चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट लिखिए आगे हेडिंग, सिंगल शिफ्ट वर्सेस डबल शिफ्ट। हेडिंग लिखिए सिंगल शिफ्ट वर्सेस डबल शिफ्ट। सिंगल शिफ्ट वर्सेस डबल शिफ्ट, इसमें लिखिए बेटा। When there is increase in demand, the same production process is used for two shifts. Two shifts. In this case, in this case the debtor creditor outstanding wages overhead raw material stock, finished goods stock, will become double. But the same production process is used the material in work in progress will remain same. Same quantity and at same conversion stage. There will be no change in unit under WIP. चलो अब सामने देखो बेटा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा।
देखो अब क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एक ये कॉन्सेप्ट है कि सिंगल शिफ्ट वर्सेस डबल शिफ्ट, ये है क्या पहले ऐसे समझो। ये बताओ सिंगल शिफ्ट वर्सेस डबल शिफ्ट का मतलब क्या है, ये देखिए जरा। देखो ये बताओ बेटा, आप अपने घर के पास में कोई मिठाई की शॉप वाला हो या कोई टेलर, उसके बारे में सोचो हाँ। जैसे टेलर के बारे में सोचते हैं, अब मान लो उसके यहाँ 10 मशीन है तो 10 ही आदमी तो बैठेंगे। होली दिवाली ईद का टाइम आ गया तो उस टाइम पे क्या होता है, हर किसी को क्लॉथ स्टिच करवाने हैं, तो अब क्या करेगा वो जानता है 10-15 दिन एक महीने की बात है, तो उसके लिए नए लोगों को रिक्रूट नहीं करते, कहते हैं 10 लोग अगर हैं तो 10 लोग डबल शिफ्ट में काम करेंगे, है ना, डबल शिफ्ट में काम करेंगे। तो जब डबल शिफ्ट में काम करेंगे सोचना, तो अब क्या होगा, जितना मटेरियल हमें पहले चाहिए था उसका डबल कंज्यूम होगा, तो स्टॉक भी उसी हिसाब से रखना पड़ेगा, वेजेस भी उसी हिसाब से देनी पड़ेगी, खर्चे भी उसी हिसाब से देने पड़ेंगे। लेकिन सबसे जो जरूरी बात यह है कि जैसे मान लो 10 मशीन है किसी के पास, उस पर 10 टेलर बैठते हैं, वो एक दिन में 10 शर्ट सिल देते हैं, जो 11वीं होती है वो अधूरी रह जाती है, 11वीं अधूरी रहती है, समझना बात को। तो देखो जैसे दिन भर काम किया 10 बना दिया है, 11वीं अधूरी है, फिर दूसरी शिफ्ट लग जाएगी तो 11वीं पूरी होगी, फिर करेंगे तो आखिरी में वही एक ही शर्ट बचेगी जो अधूरी रह जाएगी। मतलब WIP पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क इन प्रोग्रेस क्या है वो सेम होता है, वर्क इन प्रोग्रेस सेम होता है। फिर से देखो इधर, बस यही इसमें की पॉइंट है, और अब इसमें हमें वर्किंग कैपिटल यहां निकालनी है। देखो जैसे मान लो एक यहां तक 8 घंटे की शिफ्ट ये हो गई, 8 घंटे की शिफ्ट ये हो गई। अब ये कह रहा है जैसे मान लो 8 घंटे में क्या होता था, 10 शर्ट फिनिश हो जाती थी, एक WIP में रह जाती थी। तो अब सुनो, अब वो घर तो जाएगा नहीं, रहेगा तो 10 ये बनाएगा, ये WIP कहां रह जाएगी, ये तो तुरंत काम हो जाएगा इस पे, फिर वो 8 घंटे काम करेगा तो 10 फिर बनेगी, लेकिन आखिरी में जब उस दिन काम रुकेगा तो एक ही तो WIP में रहेगी। तो WIP हम लोगों के पास सेम होता है, वर्क इन प्रोग्रेस सेम होता है, बाकी सब चीजें चेंज हो जाती हैं। यहां देखिए हमने क्या लिखा, हमने लिखा व्हेन देयर इज इंक्रीज इन डिमांड द सेम प्रोडक्शन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर 2 शिफ्ट, इन दिस केस द डेटर क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग वेजेस ओवरहेड रॉ मटेरियल स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स विल बिकम डबल, हर चीज 2 गुनी हो जाएगी। बट द सेम प्रोडक्शन प्रोसेस इज यूज्ड, क्योंकि हम आदमी तो उतने ही लेके कर रहे हैं ना, जैसे 10 के बजाय 11वां आदमी हो जाता तो जहां 10 अधूरी शर्ट बचती वहां 11 बचने लगती, जब 10 ही हैं तो बनेगी तो सबकी एक एक अधूरी रह जाएगी, तो 10 ही तो रह जाएगी ना। तो क्योंकि सेम प्रोडक्शन प्रोसेस यूज किया तो इस वजह से जो WIP है हम लोगों का उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ये बस समझने वाली बात है। अब आइए बेटा, अच्छा सारा काम वैसे ही होगा जैसे हम लोग पहले करते थे, तो आइए अब शुरू करते हैं। सिंगल और डबल शिफ्ट का हमारे पास क्वेश्चन भी है, आज बेटा ये होमवर्क है, आज आपने आज ही ऐसा क्वेश्चन किया है ना, जिसमें प्रोडक्शन और सेल दी है, सेम क्वेश्चन ऐसा ही हमने किया है, ये आपका होमवर्क है 14 नंबर। अब आंसर हमें नहीं पता बेटा, है तो वैसे ही लगा डालना।
चलो अब लिखिए, जरा शुरू करिए। एक हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक लिखिए एग्जाम्पल। लिखिए बेटा। एबीसी लिमिटेड वर्क्स ऑन सिंगल शिफ्ट। टिल 31st March 2017, following are the details. पहला, कॉस्ट ऑफ मटेरियल ₹6, वेजेस आउट ऑफ विच 40% फिक्स्ड, ओवरहेड आउट ऑफ विच 80% फिक्स्ड, सेलिंग प्राइस। आगे लिखिए सेल ड्यूरिंग 2017-18, 16-17, ये है 4,32,000। आगे कहता है बैलेंस एज एट 31st March 2017, रॉ मटेरियल एट कॉस्ट 36,000, WIP at prime cost 22,000, finished goods at total cost 72,000, debtor at selling price 108, कहते हैं द कंपनी प्रपोजेस टू कंटिन्यू डबल शिफ्ट। To meet increased demand, for increased raw material, the supplier
ऑफर्स 10% डिस्काउंट ऑन ऑल परचेजेस There is no change in credit period for debtors. Creditors for material allows two-month credit. Lag in wages or overhead, half month. Calculate working capital requirement under single shift. And double shift. लिखिए स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग कैपिटल अब इसमें एक तो पर्टिकुलर का कॉलम हो जाएगा और सिंगल शिफ्ट और डबल शिफ्ट का कॉलम बनेगा और इसमें तीन तीन कॉलम बनेंगे क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट
हाँ चलो अब देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन बेटा कह रहा है, एबीसी लिमिटेड वर्क्स ऑन अ सिंगल शिफ्ट टिल 31 मार्च 17, और तब तक क्या होता था, मटेरियल इनको 6 रुपए में मिलता था, लेकिन सप्लायर ने कहा है जब डबल शिफ्ट में काम करोगे तो हम तुम्हें 10% का डिस्काउंट दे देंगे सारी परचेजेस पे, तो 6 के बजाय हमें 60 पैसे सस्ता मिलेगा, 5 रुपए 40 पैसे में मिलने लगेगा मटेरियल। आगे बढ़िए, एबीसी लिमिटेड पहले सिंगल शिफ्ट में काम करती थी मार्च तक, तब उनको मटेरियल 6 रुपए का, लेबर 5 की, ओवरहेड 5 का, 2 रुपए का प्रॉफिट लेके 18 रुपए में अपना सामान बेचा करते थे। अब क्या हुआ, सेल करी है 16-17 में 4,32,000 की। अच्छा आगे बढ़ो नेक्स्ट। अब ऐसा है सेलिंग प्राइस 18 रुपए का है ही बेटा इनके पास, तो मान लो अगर 18 से डिवाइड कर दें तो इसका मतलब 24,000 यूनिट इसने बेचा है। इनडायरेक्टली क्वेश्चन ये बताना चाह रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन कहता है द बैलेंस, कहता है अब 31 तारीख को ये बैलेंस बचा है, तो बैलेंस का मतलब ये करंट एसेट बचे हैं, मटेरियल इतने का, WIP इतने का, फिनिश गुड्स इतने का, डेटर इतने के, ये सब हमारे पास बचे हुए हैं, ठीक है। अब कहते हैं कंपनी डिसाइड कर रही है कि अब डबल शिफ्ट में काम करेंगे क्योंकि डिमांड गई है बढ़, उसके लिए सप्लायर ने कहा हम 10% का डिस्काउंट दे देंगे क्योंकि आप मटेरियल खरीदोगे ज़्यादा। अच्छा, और डेटर्स के क्रेडिट पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा, डेटर्स के क्रेडिट पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा। आगे बढ़िए, डेटर के क्रेडिट पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा, और कह रहा है क्रेडिटर 2 महीने का क्रेडिट देंगे हमको, वेजेस वगैरह 15 दिन का, और हमसे कहता है वर्किंग कैपिटल आप कैलकुलेट करके बताओ। तो चलिए अब एक एक करके वर्किंग कैपिटल निकाला जाए, सिंगल शिफ्ट में भी चाहिए, डबल शिफ्ट में भी चाहिए, दोनों में। नंबर एक, फर्स्ट पॉइंट, यहां हम लिखेंगे एग्जिस्टिंग पोजीशन सिंगल शिफ्ट, लिखिए फर्स्ट पॉइंट, सेल करी है 4,32,000 की, सेलिंग प्राइस 18 रुपए का है, तो 24,000 यूनिट इसका मतलब बेचा है, सेकंड पॉइंट, अगर हम कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर 24,000 यूनिट्स की बात करें, रॉ मटेरियल, क्वेश्चन में दिया है 5 रुपए का रॉ मटेरियल एक यूनिट पे लगता है, तो 144 का रॉ मटेरियल, वेजेस क्वेश्चन ने बताया 2 तरह की है, थोड़ी सी फिक्स्ड थोड़ी सी वेरिएबल, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, तो वेजेस हमारे पास 24,000 यूनिट है, मटेरियल 6 कर था, वेजेस 5 से, तो ये हो तो जाएगी 1,20,000 की, 1,20,000, लेकिन 1,20,000 का 40% फिक्स्ड है, 48,000,
60% 72,000 है वेरिएबल। फिर इसके बाद अगर हम लिखें प्राइम कॉस्ट तो ये हो गया 264, 264 इसमें ओवरहेड ऐड कर दें, ऊपर दिया है ओवरहेड ₹5 का लगता है जिसमें से 80% फिक्स्ड है, ₹24,000 लगेगा तो 1:20 का ही, ₹80% फिक्स्ड 20% वेरिएबल, ₹96,000 का फिक्स 24,000 का वेरिएबल, टोटल आ गया 384। अब देखो इसमें खास बात क्या है, जो जो चीज फिक्स्ड है वो तो सिंगल में काम करो डबल शिफ्ट में काम करो वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा फिक्स्ड वाले पे। तो अभी जब सिंगल और डबल का बनाएंगे तो ये सिंगल में भी यही लिखा जाएगा डबल में भी यही लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो इसको एज इट इज लिखेंगे, बाकी हमारे पास जो कैलकुलेशन है वो चेंज होगी, अब बाकी कर पाएंगे अगली क्लास में, आज टाइम खत्म हो गया।